नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसे ही हम नए साल में प्रवेश करते हैं, परिवर्तन, विकास और व्यक्तिगत विकास के लिए एक निर्विवाद उत्साह होता है। यह अपनी आदतों पर विचार करने और उन आदतों को त्यागने का सही समय है जो अब हमारे लिए उपयोगी नहीं है। आदतें, अच्छी या बुरी, हमारे जीवन को गहराई से आकार देती हैं। तो जैसा कि हम 2024 को गले लगा रहे हैं, आइए प्रचलित बुरी आदतों पर प्रकाश डालें जो हमारे जीवन से बेदखल करने लायक हैं। एक, देर से आना। कुछ लोग हर मौके पर देर से आते हैं और धीरे धीरे यह आपकी आदत बन जाती है। यह आदत आपके जीवन पर भयानक प्रभाव डाल सकती है। पहली चीज जो यह कर सकती है वह है आपको विलंब करने वाला बनाना, जिससे लोग सोचें कि आपको अधिक भरोसेमंद होने की आवश्यकता है। इसके अलावा देर होने से आपको नुकसान भी हो सकता है, क्योंकि आप कभी भी कहीं नहीं पहुंच सकते। यह बुरी आदत टूट गई है। सबसे अच्छा तरीका यह है कि जितना संभव हो सके समय पर पहुंचने का प्रयास करें और अपनी इस आदत को दूर करें। दो, अपने आप पर बहुत सख्त होना। ऐसी कई स्थितियां होती हैं जब आपको अपना काम पूरा करने के लिए अधिक समय की आवश्यकता होती है। यह किसी काम, परिवार या किसी अन्य आपात स्थिति के कारण हो सकता है। यदि हाँ, तो इसे लेकर तनाव न लें, क्योंकि कभी कभी चीजें इसी तरह चलती हैं। इसके बाद फिर से खुद पर ध्यान केंद्रित करें और वहीं से काम शुरू करें जहां आपने आखिरी बार छोड़ा था, और अपना काम जारी रखें। तीन, ऐसे लोगों के साथ रहना जो आपकी प्रशंसा नहीं करते। अगर आप ऐसे लोगों के साथ रहते हैं जो आपकी तारीफ नहीं करते, तो आप हतोत्साहित हो जाते हैं और खुद को कमजोर समझने लगते हैं। यह एक ऐसी बुरी आदत है जिससे आप खुद को कम आंक सकते हैं। इस बुरी आदत से निपटने के लिए ऐसे लोगों से दोस्ती करें जो सच्चे दिल से आपकी तारीफ करें और आपको एक बेहतर इंसान बनने में मदद करें। चार, चीजों को आखिरी मिनट पर छोड़ना। यह देर से आने से भी बदतर एक घटिया आदत है, क्योंकि आपको आखिरी समय में कुछ करने का लालच आता है। इसलिए भले ही आप अंतिम समय में सब कुछ करने के लिए उत्साहित महसूस कर रहे हों, लेकिन यह आपके प्रियजनों को परेशान कर सकता है। यह बुरी आदत। ब्रेक लें और अपने कार्यों पर पहले से ही पूर्व योजना बनाकर काम करना शुरू कर दें। पांच, नकारात्मकता पर ध्यान देना। अगर आप अपने जीवन में केवल नकारात्मकता पर ही ध्यान देते हैं, तो यह स्पष्ट है कि आपको अपने जीवन में विपरीत परिस्थितियों का ही सामना करना पड़ता है। आप इस बुरी आदत को जितना छोड़ने की कोशिश करेंगे, यह उतनी ही बढ़ती जाएगी। आखिरकार यह बुरी आदत टूट गई। सबसे अच्छी चीज जो आप कभी भी कर सकते हैं। इस तरह आप सकारात्मकता देख सकते हैं। और अंततः नकारात्मकता पर ध्यान केंद्रित करने की यह बुरी आदत दूर हो जाएगी। छह, मल्टीटास्किंग। लोग कई कार्यों को पूरा करने की आशा में एक साथ कई कार्य करते हैं। उदाहरणों में शामिल एक रिपोर्ट पर काम कर रहे हैं, नेट पर सर्फिंग, अपने ग्राहक से बात कर रहे हैं, अपने बॉस को संदेश भेजना, एक साथ बहुत सारे काम करने की कोशिश से चीजें और खराब हो सकती हैं। इसलिए एक साथ इतने सारे अलग अलग काम करने की कोशिश करना बंद करें। इसके अलावा एक समय में काम सावधानी से करें। आप अपना काम तेजी से पूरा करेंगे। यदि आप डरते हैं कि आपको यह याद रखना होगा कि क्या करना है, तो अपने सभी कार्यों को एक लघु कार्य सूची में लिख लें। इससे आप एक समय में एक ही चीज पर अधिक ध्यान दे पाएंगे। सात, दोषारोपण करना। लोग अक्सर अपनी गलतियां स्वीकार करने से इनकार कर देते हैं, जैसे यह मेरी गलती नहीं है कि मैं सफल नहीं हूं, उद्योग को सही करने की जरूरत है, मुझे पैसे वगैरह की जरूरत है। और अगर आप ध्यान दें तो अपने नतीजों के लिए आप जिम्मेदार हैं। यह वह दिन और उम्र है जहां लोग कुछ ही महीनों में सफल स्टार्टअप शुरू कर रहे हैं, ऑनलाइन प्रकाशित हो रहे हैं और किसी न किसी तरह से सफलता का रास्ता ढूंढ रहे हैं। और कुछ लोग सिर्फ दूसरों को दोष देने में लगे हुए हैं, जिसका कोई फायदा नहीं है। इसलिए दूसरों को दोष देना बंद करें और उस ऊर्जा का सही उपयोग करें। एट, अपनी तुलना दूसरों से करना याद रखें कि हर कोई अपने आप में अनोखा है। विराट कोहली क्रिकेट में महान है और रोनाल्डो फुटबॉल में सर्वश्रेष्ठ हैं।
मुकेश अंबानी एक बिजनेस टाइकून है और ये तीनों अपने अपने क्षेत्र में शीर्ष पर हैं, खुश और सफल। एक इंटरव्यू में विराट कोहली ने कहा कि रोनाल्डो खुद को फिट रखने और अपने खेल को बेहतर बनाने के लिए रोजाना मेहनत करते हैं, दैनिक दिनचर्या का पालन करें, व्यायाम करें और अभ्यास करें। मैं इससे प्रेरित हूं और मैं इसे अपने खेल में भी अपनाने का प्रयास करता हूं। मैं रो रहा हूं और ये तीनों अपने अपने क्षेत्र में शीर्ष पर हैं, खुश और सफल। एक इंटरव्यू में विराट कोहली ने कहा कि रोनाल्डो खुद को फिट रखने और अपने खेल को बेहतर बनाने के लिए रोजाना मेहनत करते हैं, दैनिक दिनचर्या का पालन करें, व्यायाम करें और अभ्यास करें। मैं इससे प्रेरित हूं और मैं इसे अपने खेल में भी अपनाने का प्रयास करता हूं। मैं रो रहा हूं। सफल लोग अपने से बेहतर लोगों से इसी तरह सीखते हैं। वे अपनी तुलना किसी से नहीं करते। इस तरीके को अपने जीवन में अपनाकर आप भी खुश रहेंगे। इसलिए आज ही दूसरों से अपनी तुलना करना बंद करें। 9. धारणा बनाना। असफल लोग अन्य माध्यमों या अवसरों पर विचार किए बिना धारणाएं बनाने में सर्वश्रेष्ठ होते हैं। एक के बाद एक चूके हुए मौके किसी को पीछे धकेल सकते हैं या उस चीज को पूरी तरह से बर्बाद कर सकते हैं जिसके लिए उन्होंने इतनी मेहनत की है। लोग अक्सर सोचते हैं कि अगर उन्होंने इसे ले लिया तो क्या होगा। इसलिए धारणा मत बनाओ। अपने मन में कहानियां बनाना बंद करें। ऐसा हुआ ही होगा, फिर ऐसा होगा, उन्होंने ऐसा ही कहा होगा। दुनिया में सबसे ज्यादा अवसर छूकने का कारण जो चीज है वह है मान लेना। 10. अपना पूरा दिन योजना बनाकर व्यतीत करना। क्या आप अपने शेड्यूल को देखते हैं और सोचते हैं कि दिन के हर आखिरी मिनट में इसका उपयोग कैसे करें, और क्या आप पूरी योजना तैयार करने में घंटों लगाते हैं? हालांकि योजना बनाना कार्य का अभिन्न अंग है, लेकिन यह एकमात्र हिस्सा नहीं है। इसलिए उन कामों को बहुत सावधानी से करें जिनके लिए आपने योजना बनाई है। अब अपनी योजनाओं को एक तरफ रख दें और काम पर लग जाएं। 11. स्किपिंग एक्सरसाइज। सुबह का व्यायाम हमारे शरीर और दिमाग को सक्रिय रखता है ताकि दिन गतिविधि और फोकस के साथ व्यतीत हो। रोजाना व्यायाम करने से हमारे शरीर में रक्त संचार ठीक रहता है, हमारी खराब कोशिकाएं तेजी से मरती हैं और नई कोशिकाएं बनती हैं। इसका परिणाम यह होता है कि जीवन प्रत्याशा यानी उम्र बढ़ने की संभावना बढ़ जाती है। लेकिन एक्सरसाइज छोड़ने से इम्यून सिस्टम कमजोर हो जाता है और आप कम उम्र में ही कई बीमारियों की चपेट में आ सकते हैं। तो आज ही इस आदत को खत्म करें। 12. कुछ शुरू करने के लिए बैठे रहना और सही समय का इंतजार करना। लोग अक्सर सही समय का इंतजार कर रहे होते हैं और उन्हें अपने कार्यों को पूरा करने के लिए मदद की जरूरत होती है। क्या आप अपनी अलमारी साफ करने के लिए अपने सपनों की छुट्टियों की योजना बना रहे हैं या नई नौकरी की तलाश शुरू कर रहे हैं? सच तो यह है कि अभी सही समय है, इसलिए इंतजार करना बंद करें और अपने लक्ष्य की ओर काम करना शुरू करें। 13. बहुत ज्यादा टीवी देखना। जब हम बच्चे थे तो ऐसी कई चीजें थीं जिनके साथ हम बाहर खेल सकते थे, लेकिन दुर्भाग्य से बच्चे देखने में अटक जाते हैं। इसलिए बच्चे सारा दिन सोफे पर लेटकर टीवी देखते हैं। बहुत अधिक टीवी देखने की यह बुरी आदत आपको खाली बैठे रहने, आलसी और मोटापे का शिकार बना सकती है और अंततः मधुमेह जैसी बीमारियों का कारण बन सकती है। इस बुरी आदत से निपटने के लिए रोजाना अपने घर से बाहर निकलें और दिन में सीमित समय के लिए टीवी चालू करने का समय निर्धारित करें। 14. लगातार भोजन छोड़ना या अस्वास्थ्यकर आहार लेना। हमें जीवित रहने के लिए भोजन और पानी की आवश्यकता है। यदि आप लगातार खा रहे हैं तो आप अधिक उत्पादक हो सकते हैं। वर्कआउट करने के बजाय खाना न छोड़ें और यह सुनिश्चित करें कि आप पूरा खाना खाएं। अगर आपके लिए खाना उपलब्ध नहीं है तो किसी कैफे या होटल से खाना खाएं, लेकिन किसी भी मामले में संपूर्ण भोजन, पूरी तरह से जंक फूड खाना हमारे जीवन का एक हिस्सा बन गया है। उदाहरण के लिए, यदि परिवार में माता पिता दोनों ने काम करना शुरू कर दिया है तो बच्चे अक्सर जंक फूड और सोडा का सेवन करते हैं,
जो उनके स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचा सकता है। 15. सदैव विचलित रहना। उत्पादकता पर लिखी गई कई किताबों के लेखकों ने अपने शोध में यह जाना है कि जिन लोगों के पास स्पष्ट लक्ष्य और कार्य योजना होती है, यानी कि उनके प्रयासों से आज क्या हासिल होगा, उन्हें आज भी इसकी जरूरत है। समय के आनंद के लिए वे सोशल साइट्स, अनावश्यक गपशप आदि में व्यस्त रहते हैं और उनका दिन का कीमती समय बीत जाता है। अगर आप भी इस आदत में फंस गए हैं तो इसे अभी खत्म कर दीजिए। इसके लिए रोजाना लक्ष्य लिखें और उन्हें हासिल करने का प्रयास करें। 16. धूम्रपान। धूम्रपान से घातक बीमारियां होती हैं। जब हम बच्चे थे तो हमारे माता पिता हमेशा हमसे कहते थे कि धूम्रपान करने वालों के पास मत जाओ। इसका कारण यह है कि पैसिव स्मोकिंग भी सेहत के लिए खतरनाक है। जैसे जैसे हम बड़े होते हैं और धूम्रपान करने वालों से दोस्ती करते हैं, वे हमें धूम्रपान करने के लिए प्रलोभित करते हैं, जो एक बुरी आदत है। यह आपके स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचा सकता है और यहां तक कि कैंसर का कारण भी बन सकता है। इसलिए धूम्रपान की इस बुरी आदत से हमेशा दूर रहने की सलाह दी जाती है। जब भी आपको धूम्रपान करने की इच्छा महसूस हो तो अपने मुंह में च्युइंग गम का एक पैकेट डालें। इससे आपकी धूम्रपान की बुरी आदत छूट जाएगी। 17. अत्यधिक शराब पीना। हमारे तेज तर्रार युग में प्रतिस्पर्धी लोग कठोर पेय पदार्थों से निपटने के लिए अधिक शराब पीने की भयानक आदत शुरू कर देते हैं, जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक नहीं है। लेकिन अगर आप बहुत ज्यादा शराब पीते हैं तो ये आपके लीवर को नुकसान पहुंचा सकता है। इसके अलावा लंबे समय में आपको शराब पीने की लत लग सकती है, जो आपकी जीवन शैली के लिए अनुपयुक्त है। बहुत अधिक शराब पीने से आपके स्वास्थ्य को निम्नलिखित तरीकों से नुकसान हो सकता है: मस्तिष्क की समस्याएं, हृदय रोग, लिवर रोग, अग्न्याशय की समस्याएं, कैंसर के विभिन्न प्रकार, मुंह, अन्न प्रणाली, गला, यकृत और स्तन। 18. अधिक खर्च करना। इसका मतलब है बहुत सारा पैसा खर्च करना। तो यह एक बुरी आदत है, क्योंकि अपने पैसे का प्रबंधन करना, काम करने के लिए आपका वित्त आवश्यक है। यदि आप रोमांचक चीजों जैसे कपड़े या मेकअप या अपने शौक या कुछ और पर बहुत अधिक खर्च करते हैं तो आपके पास अपनी बुनियादी जरूरतों को पूरा करने के लिए बिल नहीं होंगे, जैसे कि अधिक धन की आवश्यकता हो सकती है। इसलिए आपको अपने पैसे का सही प्रबंधन करना होगा ताकि आपको अधिक भुगतान करना पड़े। तो आज से ही इस बात का ध्यान रखें कि थोड़ा थोड़ा ही खर्च करने की कोशिश करें। मुझे आशा है कि वर्ष 2024 हमारे लिए ढेर सारी सफलताएं लेकर आएगा। हम अपने लक्ष्यों और सपनों को प्राप्त करें और प्रत्येक दिन खुशियों और उपलब्धियों से भरा हो। भगवान इस वर्ष को विकास, आनंद और सकारात्मक अनुभवों का समय माने। सफल और संतुष्टिदायक 2024 के लिए आप सभी को शुभकामनाएं।